तो हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 सोशल स्टडी लेसन नंबर 25। चैप्टर नेम इज एंटार्क्टिका। एज दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, मैंने आपको व्हाट्सएप में जो डिडक्टेड लिस्ट थी वो आपको बता दी है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर, लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 25 एंटार्क्टिका। देखो यहाँ पे लिखा है, टू नो द लोकेशन ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द साउथ पोल ऑफ द ग्लोब। द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट इज नियर द साउथ पोल, इट हैज़ बीन सीन ऑन द वर्ल्ड मैप इन द लोवेस्ट पोजिशन। तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि आपको अगर एंटार्क्टिका देखना है तो आपको ग्लोब के साउथ पोल में देखना पड़ेगा। साउथ पोल मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ, जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल के पास है और ये वर्ल्ड मैप पे सबसे नीचे की तरफ लोवेस्ट पोजिशन पे देखा जा सकता है। देन उसी के नीचे मैप है, मैं आपको वीडियो पर मैप डालूंगा एंटार्क्टिका का, बिल्कुल आप देख सकते हो। जब तक पेज नंबर 221 का ऑडियो चलेगा जब तक आपको मैप दिखेगा। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कंसंट्रेट ऑन पेज नंबर 221। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटार्क्टिका लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद द साउथ पोल ऑलमोस्ट इन इट्स सेंटर। जो एंटार्क्टिका है वो कम्प्लीटली साउथ की तरफ है, सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें साउथ पोल बिल्कुल उसके सेंटर में। अब आपको हेमिस्फीयर पता होगा, हेमिस्फीयर मतलब ओवल शेप या सर्कल शेप के टू इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसकी जो लोकेशन है वो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड 290 डिग्री साउथ पोल पे है। इट इज इन सर्कल के शेप में है ये। इसका जो साइज है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। द एरिया ऑफ इस कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वो 1,33,00,000 किलोमीटर का है और इसके चारों तरफ सदर्न ओशन है, साउथ सदर्न ओशन जिसको बोलते हैं। देन द मेनलैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820 बट रियल एक्सप्लोरेशन बिगेन ओनली इन 20th सेंचुरी। वो बोल रहे हैं इस कॉन्टिनेंट को पहले डिस्कवर किया गया 1820 में, लेकिन 20th सेंचुरी में यहाँ पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ, मतलब लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ, साइंटिस्ट का आना जाना स्टार्ट हुआ। कैप्टन कुक जो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, बहुत ज़्यादा उनको इच्छा थी कि वो एक्सप्लोर करें साउथ पोल की तरफ। अब ये ऑलरेडी जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल की तरफ है ना, और उन्होंने वर्ल्ड को ये बताया कि साउदर्न सदर्न ओशन है जो, वहाँ पे बहुत सारी सील और वेल मछलियाँ हैं, है ना। किसने? कैप्टन कुक में। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के जो मछुआरे थे, फिशरमैन थे, वो अट्रैक्ट हुए इस जगह पे जाने के लिए। लेकिन जब वो गए तो वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब फिशरमैन वहाँ पे गए तो वो आइस में दब गए, इतनी ज़्यादा बर्फ है, स्नो है वहाँ पे कि वो वहाँ पे दब के आज भी मर चुके हैं और आज भी वहाँ दबे हुए हैं। इसके कुछ समय के बाद कुछ ट्रेवलर्स वहाँ पे गए तो उनके साथ भी वही कंडीशन हुई, वो दब गए शीट ऑफ आइस के नीचे। लेकिन कुछ समय के बाद कैप्टन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट जो ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर्स थे, जब वो वहाँ गए तो उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ, है ना। उन्होंने ये सोचा कि वो पहले आदमी बनेंगे जो एंटार्क्टिका पे जाएंगे, तो उन्होंने 1910 से अपने फ्रेंड्स और अपनी नेवी के ऑफिसर्स के साथ जब वो साउथ पोल पे 1910 पे निकले, 1910 में, और वो पहुंचे वहाँ 1912 में। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे, कौन? कैप्टन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, ये ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर थे। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नॉर्वे का झंडा, नॉर्वे का फ्लैग वहाँ पहले से है, तो वो देख के बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड हुए, बहुत ज़्यादा निराश हुए। फिर उनको पता चला कि यहाँ ये फ्लैग 20 अक्टूबर 1911 में नॉर्वे के एक ट्रेवलर थे जिनका नाम था रोल्ड एमनसेन, उन्होंने ये झंडा यहाँ पे फहराया था और वो पहले व्यक्ति थे जो वहाँ पहुँचे थे। देन जब वो डिसअपॉइंट हुए कैप्टन स्कॉट, जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ स्नो हिट हो गया उनके ऊपर, स्नो हिट मतलब बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आया और वो उस तूफान में दब के उनकी डेथ हो गई। हाउएवर कुछ समय, कुछ डिकेड्स के पहले यहाँ पे थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से अपना रिसर्च करने के लिए। इंडिया ने भी अपनी साइंटिस्ट की टीम भेजी है यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज करने के लिए।
इंडिया की टीम ने यहाँ पे सी माउंटेन भी एक्सप्लोर किया है ना। फिर यहाँ का लैंड और क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे लिखा है ये सिर्फ ऐसा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का जो हमेशा यहाँ पे आइस होती है, कम्प्लीटली फ्रोजन होता है। यहाँ पे जो वाइट शीट होती है, जो आइस आइस चारों तरफ है, तो जहाँ भी देखो वाइट शीट दिखती है आपको, इसीलिए उसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यहाँ की 98% जो एरिया है, जो ज़मीन है, वो परमानेंट आइस से ढकी हुई है। और जो इसकी मोटाई है, जो इसकी थिकनेस है, वो अराउंड 2 से 5 किलोमीटर तक मोटी है आइस की शीट। ये सबसे ठंडा और लोनलीएस्ट, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरे अर्थ का। मच ऑफ एंटार्क्टिका इज रग्ड एंड माउंटेनियस। इसका मतलब ये है कि जो एंटार्क्टिका का मोस्टली पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रग्ड, का मतलब उबड़ खाबड़ होता है, और यहाँ पे माउंटेन्स बहुत हैं। जो क्वीन मॉड रेंज है, जो क्वीन मॉड रेंज को बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, जो क्वीन मॉड रेंज है वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक वेस्टर्न पार्ट जिसको हम वेडेला के नाम से जानते हैं, और एक ईस्टर्न पार्ट जिसको हम रॉस आइलैंड के नाम से जानते हैं। वहाँ पे एल्सवर्थ माउंटेन है, जिसमें विंसन मैफिक हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची पर्वत की श्रेणी है, चोटी है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली ऊंचाई है 5,140 मीटर्स। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनो माउंटेन्स हैं, लेकिन माउंट एरिबस सिर्फ अकेला एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे 70 लेक्स हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। वास्को लेक यहाँ का सबसे बड़ा बर्फ से ढका हुआ लेक है। द आइस हैज असेंबल्ड ऑन द कॉन्टिनेंट एज आइस शीट एंड आइस कैप्स। यहाँ पे जो आइस जमी हुई है वो आइस शीट और आइस कैप के नाम से भी जानी जाती है। अब यहाँ सेम पेज पे नीचे की तरफ डेफिनेशन है आइस कैप्स की। एन एरिया ऑफ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर विच इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस परमानेंटली। वो बोल रहा है आइस कैप क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो आइस और स्नो से हमेशा कवर रहे वो आइस कैप कहलाता है। अब उसके बाद आइस शीट भी लिखा हुआ है, ऐसा बड़ा सा एरिया जिसमें परमानेंट आइस शीट बहुत ज़्यादा थिकनेस की कवर हो, दैट इज कॉल्ड आइस शीट। तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, पेज नंबर 223। आइसबर्ग लिखा हुआ है, अ लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, इट हैज एटलीस्ट 5 मीटर हाई अबव द सी लेवल। मतलब आइसबर्ग, आपको पता है क्या, टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, जो टाइटैनिक जहाज थी वो आइसबर्ग से ही टकराई थी, आइस ग्लेशियर से ही टकराई थी, आपने देखा होगा। जो पानी पे तैरता हुआ बर्फ का पहाड़ होता है उसको हम आइसबर्ग बोलते हैं, सीधी सी बात है, फ्लोटिंग, जो फ्लोट होता रहता है। उसके बाद लिखा है, थिक फ्रोजन शीट ऑफ स्नो इज ऑलवेज ऑन द कॉन्टिनेंट, सो देयर इज एक्सट्रीम चिली कोल्ड हेयर एंड आइसी फास्ट विंड ब्लो। यहाँ पे बहुत मोटी मोटी बर्फ की जो फ्रोजन शीट होती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का जो वातावरण है, जो एटमोसफियर है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और यहाँ पे जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी होती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा एक सा रहता है। This is the coldest part of world. सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा पार्ट है वर्ल्ड का। The lowest temperature has been recorded at -85 to -90 degrees Celsius during winter, and maximum summer temperature goes up to -60 degrees Celsius. यहाँ पे जो सबसे ठंडा temperature रिकॉर्ड किया गया वो -85 से -90 degrees Celsius। कब? ठंड के टाइम पे और समर के टाइम पे यहाँ का temperature कितना हो जाता है? -60, मतलब फिर भी बहुत ठंडा होता है। द ईस्ट एंटार्क्टिका बीइंग हाई इज द कोल्डर देन द वेस्टर्न पार्ट। वो बोल रहा है ईस्ट एंटार्क्टिका ज्यादा ठंडा होता है वेस्टर्न पार्ट के अपेक्षा, अगर कंपेयर करोगे तो। रेन इज वेरी स्पार्स हेयर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रेन होती है वो बहुत कम होती है इस एरिया पे, पानी यहाँ पे बहुत कम गिरता है। दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द समर इन एंटार्क्टिका फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। यहाँ पे एंटार्क्टिका में नवंबर से लेके फरवरी मंथ के बीच समर होती है, और उस दौरान जो सन होता है वो कभी सेट नहीं होता, सूरज हमेशा उगा रहता है। ऑन द अदर हैंड, ठंड के टाइम जो इनका सीजन स्टार्ट होता है ठंड का, वो मई से अगस्त के बीच में है ना, और उस समय यहाँ पे सन कभी नहीं राइज होता, याद रखना है ना। जो समर का
टाइम होता है नवंबर से फरवरी के बीच में, उसमें सूरज हमेशा सनसेट रहता है, और जो ठंड का टाइम होता है मई से अगस्त के बीच में, यहाँ पे सन कभी राइज नहीं होता। इन द साउथ पोल रीजन ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया और साउथ लाइट इज ऑफन सीन। तो साउथ पोल रीजन में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर साउथ लाइट यहाँ पे देखी जा सकती है। जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है इस कलर्ड एंड वाइट शाइनिंग लाइट विच इज विजिबल इन कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन। तो जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, ये कलरफुल और सफ़ेद रंग की चमकती हुई रोशनी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो देखी जा सकती है सोलर रेडिएशन के थ्रू, है ना। दैट इज व्हाई इन विंटर और इन नाइट स्लाइट लाइट विजिबल एयर, वो बोल रहे हैं इसीलिए जब ठंड होती है, ठंड में क्या होता है सन कभी नहीं उगता, फिर भी यहाँ पे एक लाइट देखी जा सकती है। अब वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ लेते हैं। द लैंड सरफेस इज मोस्टली बैरन एंड इट इज वेरी कोल्ड। यहाँ पे जो लैंड सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे जो सन की जो रेज होती है, मैं चलो पहले पढ़ा देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। द पॉसिटी ऑफ सन रेज क्रिएट्स हर्डल्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, सो देयर इज अ लिटिल वेजिटेशन हेयर एंड द वेजिटेशन ग्रोज इन फ्यू वीक ऑफ समर। लिचिन्स वाटर ग्रास एंड फंगस आर द वेजिटेशन हेयर। देयर आर ओवर 200 स्पीशीज ऑफ लिचिन्स इन एंटार्क्टिका। द इंसेक्ट्स ऑन द लैंड आर मिनिट्स इन वर्टिब्रेट बट द सीजन इज बाउंटिफुल। पेंगुइन्स ब्लू व्हेल सील एल्बस्ट्रॉस एंड किरिल फिश आर फाउंड प्रोमिनेंटली। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, पानी भी बहुत कम होता है, यहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर है जहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता। देन सनलाइट की यहाँ पे हमेशा कमी है, इसीलिए यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते, है ना। यहाँ पे वेजिटेशन लगभग ना के बराबर है, और जिन एरियों में वेजिटेशन है और कुछ एरियाज में कुछ हल्का सा एरिया जो गर्म होता है, है ना, उसमें नॉर्मली क्या क्या उगता है ये मैंने आपको बताया था, लिचिन्स वाटर ग्रास और फंगस। अब लिचिन्स क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रोकोली टाइप के कुछ फंगस टाइप की एक प्रोडक्ट होता है उसको लिचिन्स बोलते हैं। देन लिचिन्स के अलावा फंगस आपको जिसको फफूंद बोलते हैं, है ना, ये सब यहाँ पे उगती हैं। अब एंटार्क्टिका में लिचिन्स की 200 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। देन यहाँ पे मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था कि इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स नहीं होते, जैसे सांप वगैरह ये सब जो रेप्टाइल्स होते हैं यहाँ पे पाए नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे पेंगुइन्स ब्लू व्हेल्स सील्स एब्स्ट्रॉस एंड क्रिल फिश बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद लिखा है अंडर इंटरनेशनल लॉ देयर इज़ अ बैन ऑन हंटिंग द सील व्हेल क्रिल फिश एंड टूथ फिश। इंटरनेशनल एक कानून बना हुआ है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों का शिकार नहीं किया जाता, किसका किसका, सील व्हेल क्रिल फिश एंड टूथ फिश का। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स एक्सेस हंटिंग इज ऑलमोस्ट लेड द वाइल्ड लाइफ एंड स्पीशीज फाउंड हेयर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से यहाँ पे अवैध शिकार होते हैं मछली पकड़ने के कारण। इन जीव जंतु जो ये मछलियाँ वगैरह हैं, टूथफिश वगैरह हैं, क्रिल वगैरह हैं, इनकी जो प्रजाति हैं वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। देन यहाँ पे लिखा द ओनली रिसोर्सेज विच हैज कम पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट इज क्रिल। क्रिल इज वेरी स्मॉल फिश, लेंथ अप टू 6 सेंटीमीटर एंड वेट अप टू 1.05 ग्राम्स। ये बोल रहे हैं जो क्रिल मछलियाँ होती हैं वो एंटार्क्टिका के जो ओशन है उसके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जो क्रिल होती हैं उनका जो लेंथ होता है वो अराउंड 6 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है, लंबी होती है, और जो उनका वेट होता है वो 1.05 ग्राम्स तक होता है। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है जो क्रिल मछलियाँ होती हैं हमेशा स्वांस में पाई जाती है, झुंड में पाई जाती हैं, और ये किसका खाना है, व्हील सेल पेंगुइन्स और बर्ड्स का। दे प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज फिश मीट, क्रिल मीट पेस्ट एंड क्रिल प्रोटीन। जो क्रिल मछलियाँ हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे फिश मीट बनती है, क्रिल मीट का पेस्ट बनता है और क्रिल प्रोटीन बनता है। देन इसके बाद लिखा हुआ है रिसोर्सेज, इट इज बिलीव दैट प्रीशियस मिनरल्स आर हिडन बिलो द सरफेस ऑफ आइस शीट इन एंटार्क्टिका। ऐसा माना जाता है
कि बहुत प्रीशियस मतलब बहुत कीमती मिनरल्स आइस शीट के नीचे दबे हुए हैं। हेक्टिक एफर्ट आर ऑन द वे, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उन मिनरल्स को निकालने के लिए। टिल नाउ डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर एंड कॉपर हैव बीन फाउंड, बट ड्यू टू सेवर हिंड्रेंस दीज मिनरल्स हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड ऑन द कमर्शियल लेवल टिल टुडे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे कोल, आयरन ओर, कॉपर्स के भंडार बहुत सारे पाए गए हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों, कुछ हिंड्रेंस की वजह से ये मिनरल्स आज तक नहीं निकाले गए हैं और इनका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं हुआ है। उसी के नीचे लिखा हुआ है कि 90% स्टॉक है जो स्वीट वाटर का वर्ल्ड में, वो आइस के फॉर्म पे है एंटार्क्टिका में। ओके, 90% वाटर जो स्वीट वाटर जो पीने का पानी है जो हम पी सकते हैं वो आइस के फॉर्म पे है अभी प्रेजेंट में एंटार्क्टिका पे। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। डिस्पाइट इट्स वेरी वास्ट साइज एंटार्क्टिका हैज अ लिटिल टू ऑफर बाय वे ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, बट इट प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटीज टू साइंटिस्ट टू लर्न मोर अबाउट द अर्थ। द कॉन्टिनेंट देयरफॉर इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड फॉर साइंस। फिजिकली देखा जाए तो एंटार्क्टिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल कंडीशन से देखा जाए तो इसके पास मिनरल्स है भी, लेकिन इस मिनरल से किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है आज तक। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इन मिनरल्स को निकालने के लिए। फिर लिखा हुआ है दिस कॉन्टिनेंट देयरफॉर इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड फॉर साइंस, और इसी कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट फॉर साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे कुछ सीखने का मौका होता है, कुछ फाइंड आउट, कुछ रिसर्च करने का भी चांसेस होते हैं। पीपल हैव क्रिएटेड लाइवेबल एनवायरनमेंट विद इन द स्टेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय देम, लोग वहाँ पे रहने योग्य अपना घर बना रहे हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर विच कैन बी विथस्टैंड द हार्श क्लाइमेट एंड हाई वेलोसिटी विंड्स। उन्होंने ऐसे घर बनाए हैं यहाँ पे, कुछ स्पेशल टाइप के परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो हार्श कंडीशन मतलब बहुत खतरनाक टाइप के क्लाइमेट जो होते हैं, बारिश हो, रेन हो, आइस फॉल हो, है ना, और जो बर्फ के बर्फीले तूफान, उससे उनको सुरक्षा दे सकें। इलेक्ट्रिक जनरेटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, स्पेशल क्लॉथिंग, डीप फ्रोजन फूड स्टोव्स एंड स्पेशल व्हीकल्स आर फ्लोन टू द ऑब्जर्वेशन स्टेशन से। इलेक्ट्रिक जनरेटर वहाँ पे रखे गए इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, बिजली के लिए स्पेशल क्लॉथ्स हैं, डीप फ्रोजन फूड है, स्टोव है, स्पेशल व्हीकल हैं जो जिससे रिसर्च में आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। द जियोलॉजिकल स्टडी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एंड मिनरल्स डिपॉजिट अंडर स्नो रॉक्स आर बीइंग अंडरटेकन बाय वेरियस रिसर्चेस। तो जो रिसर्च अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ या जीने के योग्य अगर रॉक के नीचे कुछ कंडीशंस है तो वो रिसर्च कर रहे हैं। मिनरल्स कितना डिपॉजिट है स्नो रॉक्स मतलब बर्फ की चट्टानों के नीचे, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज वहाँ चल रहे हैं। अब इंडियन साइंटिस्ट इन एंटार्क्टिका में लिखा हुआ है कि सिंस 1982 से 2006 तक इंडियन साइंटिस्ट की टीम ने विजिट किया कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में कई बार। इंडिया हैज एस्टैब्लिश अननेम परमानेंट बेस कैप दक्षिण गंगोत्री फॉर दिस पर्पस इन 1982। मतलब इंडिया ने पहला मानव रहित बोलना चाहिए अनमैन्ड मानव रहित मतलब जिसमें इंसान नहीं रहते उसका नाम रखा था दक्षिण गंगोत्री, वो 1982 में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में बनाया। इंडियन साइंटिस्ट हैव ऑल्सो एक्सप्लोर अ सी माउंटेन ड्यूरिंग देयर विजिट एंड दे हैव नेम इट इंद्र। तो इंडियन साइंटिस्ट के दल ने अंटार्कटिका के रास्ते में एक समुद्र में एक माउंटेन एक पर्वत भी इन्वेंट किया जिसका नाम इंद्रा रखा गया। 1988 से 89 के बीच में सेवंथ इंडियन टीम एस्टैब्लिश्ड अ मैन फ्रेंडशिप कैंप 70 किलोमीटर फ्रॉम दक्षिण गंगोत्री। तो 1998 से 1989 में जो एट्थ इंडियन टीम का कैंप था उन्होंने एक मैन मतलब वहाँ पे मैन होते थे एक फ्रेंडशिप कैंप इस्टेब्लिश किया जो 70 किलोमीटर दूर था दक्षिण गंगोत्री से। लास्ट पैरा है एंटार्क्टिका इज द मोस्ट कोल्डेस्ट एंड आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका बहुत ही ज़्यादा ठंडा और रुका हुआ कॉन्टिनेंट है। द फास्ट आइसी विंड्स ब्लो एंड देयर इज आइस एवरीवेयर।
वहाँ पे जो हवा बर्फीले तूफान चलते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, चारों तरफ आइस है। ऐसे खतरनाक क्लाइमेट में भी लाइफ इज इम्पॉसिबल, सो द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी लाइव हियर परमानेंटली। इस खतरनाक तूफान या ऐसी हार्श कंडीशंस में, ऐसी खतरनाक कंडीशंस पे लोग यहाँ, लोगों का रहना इम्पॉसिबल है कि वो परमानेंटली यहाँ रह ले। एंटार्क्टिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर मैन हैज नो परमानेंट सेटलमेंट। एंटार्क्टिका सिर्फ एक ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मनुष्य या ह्यूमंस परमानेंटली रह नहीं सकते। Several countries have set up their research center here and people live temporarily during the exploration and research time. बहुत सारी countries ने अपना research center यहाँ पे बनाया है और लोग temporary, मतलब 2-3 महीने 4 महीने के लिए यहाँ रहते हैं, अपना research करते हैं और चले जाते हैं। तो this was the last chapter of your social study book. I hope आप ये video देखेंगे, आपको समझ में आएगा। कोई problem हो मुझे LMS में clear कर सकते हैं। Up to now, thank you.